आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिस संजीवनी का देश पल पल इंतजार कर रहा था। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत की, जिसके बाद देश भर में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। यूपी के सभी 75 जिलों में सुबह 11 बजे के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म हुआ, कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। कुल 317 सेंटर पर पहले दिन 100-100 लोगों को टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के पहले दिन 31,700 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। बता दें कि पहले चरण में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया गया। वहीं इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत ने दुनिया की सबसे सस्ती और सफल वैक्सीन बनाई है। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि यूपी के अलग अलग जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली तस्वीर। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान कुछ गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। जैसे जो लाभार्थी हैंड ग्लव्स लगाकर नहीं आएंगे, उन्हें हेल्प डेस्क से मास्क और हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए अंदर भेजा जाएगा। गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही एक रूम और तैयार किया गया है, जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जिससे लाभार्थी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल उसका इलाज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।